गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शाजिया है। मैं आपकी मैथ्स टीचर हूँ। आप में से सभी लोग, ऑलमोस्ट बच्चे सारे मुझे जानते होंगे कि मैं आपकी मैथ्स टीचर हूँ, ठीक है। और ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों चल रही है आपको ये भी पता होगा, वायरस का कोरोना चल रहा है जो कि अभी कम हुआ है, पूरा फिनिश नहीं हुआ है, जिससे आपको अभी भी अपनी सेफ्टी पूरे करना है। क्या करना है, कहीं बाहर जाने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, बी सेफ। ओके, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड, एडिशन। चैप्टर दो चैप्टर हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, चैप्टर थर्ड एडिशन। एडिशन क्या है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा होगा एडिशन क्या होता है। एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन में हम जोड़ते हैं, जो भी डिजिट है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1। एड दी कॉलम, नीचे कुछ डिजिट है जो हमें कॉलम में दी हुई है, उसको क्या करना है, हमें ओनली एड करना है, जोड़ना है। तो प्लेस वैल्यू भी सभी बच्चों को पता होगा, एक बार फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लेस वैल्यू। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, क्या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो डिजिट लिखते हैं। मैं वंस की प्लेस पे क्या है, एट, टेंस पे टू, हंड्रेड पे थ्री और थाउजेंड पे वन। इसको हमें किस तरीके से करना है, कॉलम में करना है। फिर हमें सम को कभी भी सॉल्व करने से पहले राइट हैंड से ही इसको हमें सॉल्व करना है। तो वन से स्टार्ट होता है हमारा, तो एट है, नीचे कॉलम में लिखना है जो हमें ऐड करना है नंबर, वन टू फोर थ्री, क्या करना है इसको हमें ऐड करना है। तो ये डिजिट क्या ऊपर, एट, और ये क्या है, वन, तो दोनों कॉलम में ही है, कॉलम में क्या करना है इसको हमें ऐड करना है। तो एट तो है ही हमारे पास, एट में क्या करना है, वन ऐड करना है, तो एट और वन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, नाइन। इसी तरीके से सेम इसको भी करना है, ये क्या है टू, ये भी क्या है टू, तो टू और टू कितने होते हैं, फोर। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये क्या है, थ्री और फोर, थ्री और फोर, क्या करना है इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो थ्री है हमारे पास, थ्री में और आगे जोड़ते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन, इस तरीके से इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वन, वन में कितनी और डिजिट ऐड करनी है, थ्री, तो वन है, टू थ्री फोर, कितने नंबर ऐड किए हमने, थ्री, तो ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, सेम थाउजेंड हंड्रेड टेंस वंस, प्लेस वैल्यू सबको आनी चाहिए। वंस पे फोर राइट हैंड से ही स्टार्ट कर रही हूँ, आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सम सॉल्व करने से पहले राइट हैंड से ही सॉल्व करना है। फोर थ्री जीरो थ्री, और नीचे कॉलम में भी लिखना हो तो राइट हैंड से ही स्टार्ट करेंगे, टू फाइव टू वन, एड, क्या करना है इसको, इसे भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या है ये फोर, फोर है हमारे पास, बाकी नंबर कौन सा और ऐड करना है, नंबर टू, तो फोर है, फोर के बाद हम आगे टू और ऐड कर देंगे, फाइव और सिक्स, तो क्या है हमारे पास, सिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, थ्री, थ्री ऑलरेडी नंबर है, तो थ्री के आगे हम कितना और ऐड करेंगे, फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिंगर पे आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं है, जीरो, जीरो में टू ऐड करेंगे, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो टू है तो क्या होगा, हमारे पास ऐड करेंगे जीरो को तो टू का टू एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, थ्री, थ्री में कितना नंबर ऐड करना है हमें, वन ऐड करना है, तो थ्री और वन कितना हो गया, फोर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये एडिशन आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज की आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको, सी ई जी एच और आई, इस एक्सरसाइज के आपके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का भी हमने ए किया था, अब बी पार्ट, बी क्वेश्चन लेते हैं। एंड बी फॉलोइंग एंड फाइंड सम, ये भी सेम
क्या होता है इसमें भी हमें ऐड करना है, बट इसमें क्या है और ज्यादा डिजिट ऐड हो गई है, इसको तीन कॉलम में डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से देखो 6 1 8 3 3 7 1 3 1 1 0 1। और ये सम कभी भी कॉलम में लिखने से पहले ये ध्यान रखें कि डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, तभी आपका ये सम पूरा इजिली क्लियर हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट, देखो मेरा सारा डिजिट के नीचे डिजिट है, अगर आप आगे पीछे करोगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या है ये हमें एडिशन जोड़ना है, मैंने पहले भी बताया फिर बता रही हूँ, जो भी डिजिट है हमारे पास जितनी भी आई है क्या करना है सबको हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट कॉलम में वंस में क्या है हमारे पास 6 3 और 1, तो वंस की प्लेस पे कितने डिजिट है हमारे पास, ये तीनों डिजिट। तो क्या करना है वंस की प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको हमें ऐड करना है, 6 7 8 9 और ये 1 10। तो 10 तो क्या है, 10 हम पूरा नहीं लिख सकते, इसमें क्या है हमें कैरी लगाना होता है, ठीक है, डबल डिजिट यूज नहीं करना इसमें। राइट हैंड में क्या है हमारा 0 नीचे करना है और 1 क्या है लेफ्ट हैंड पे कैरी लगाना है, ठीक है। राइट हैंड वाली डिजिट नीचे लिखनी है और लेफ्ट वाली को कैरी लगाना है आगे। तो आगे चलते हैं, इसको क्या करना है हमें, ये भी हमें ऐड करना है 1 7। 1 है उसमें 7 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9, और ये जो कैरी है उसको भी हमें ऐड कर लेना है क्योंकि हमें ऐड ही करना है, जो भी नंबर आया उसे हमें ऐड करना है, ठीक है। 7 8 9 और 1 10, 10 में भी क्या करना है हमें राइट हैंड वाला नीचे लेफ्ट हैंड वाला कैरी लगाना है। इसको करते हैं 8 9 और 1 10, इसको भी हमें क्या है 10 आगे, 10 में भी क्या करेंगे 0 नीचे और 1 लेफ्ट हैंड वाला कैरी लगाएंगे। आगे क्या करना है इसको भी ऐड 3 3 6 1 7 और ये ऐड करना है 8। ये हमारा इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल के लिए क्वेश्चन और लेते हैं। सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, इसे भी हमें क्या करना है ऐड करना है, जो भी डिजिट है जो भी नंबर हमें कैरी भी मिलता है उसको भी ऐड करते हुए जाना है, ऐड ही करना है जो भी नंबर हमारे पास। क्या ये 2 और 5, 2 है हमारे पास, 2 में और 5 ऐड करेंगे 3 4 5 6 7, 7 हो गई हमारे पास नंबर 7 में, अभी इसको भी हमें ऐड करना है वंस की प्लेस पे जो भी डिजिट है सबको हमें ऐड करना है। तो 7 में 2 ऐड करेंगे क्या होगा 8 और 9, ठीक है। ये क्या है 7 में 2 ऐड करेंगे 8 और 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 कुछ नहीं होता, तो 9 का 9 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या है 0 कुछ नहीं, सेकंड में क्या है 8 और ये 1, 8 और 1 कितना होता है 9। नेक्स्ट 4 में कितना ऐड करना है 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। आई होप ये आपका एडिशन आपको क्लियर हो गया हो, इसमें भी आपको होमवर्क दे रही है कुछ वो सॉल्व करना है, 2 मैंने कर दिए हैं। ये आपका होमवर्क है और ये सारा आपको कंप्लीट करना है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर। और क्वेश्चन करो।